दिवाली आ रही है तो मैं दिवाली का नाश्ता बनाना बताती हूँ, मैदा का खस्ता वो बताती हूँ बनाकर। मैदा ली है, एक कटोरी में इसमें डाल लेती हूँ। मैंने आधी कटोरी सूजी ली है तो इससे क्या है अपने कुरकुरे हो जाते हैं बढ़िया खस्ता। इसमें अपन को क्या डालना है, मीठा सोडा हल्का सा आधी चम्मच, और अपन को इसमें क्या डालना है अजवाइन। अपन इसको ऐसी मसल लेते हैं गद्दी से, अपनी जो मसल गई है अब इसमें अपन जो डाल देते हैं, और अपन को स्वाद अनुसार इसमें हल्का सा नमक डालना है, काली मिर्च सिकी हुई आधी चम्मच, तो इसको डालना है, इससे चटपटे हो जाते खस्ते अपने। अपन इसको अब ऐसे मिला लेते हैं। अब आप इसमें मोयम डालते हैं, अपन भर के अपन ने एक चम्मच लिए, अपन को दो चम्मच डाल लेना चाहिए इसमें मोयम। अब अपन इसको मिला लेना चाहिए। अपन को इसको अच्छे मिला लेना चाहिए, हाथ से मिल जाएगा अपना मोयम। अपन को ऐसा मोयम मिलाना चाहिए कि अपना बिल्कुल इकमेल हो जाना चाहिए मोयम, और अपने देखो लड्डू से बन जाने चाहिए। तो इसमें काफ़ी हो गया है अपना मोयम, देखो अपना लड्डू से बन रहे हैं, अपना मोयम इसमें हो चुका है। अब अपन इसको हल्के हाथ से इसको थोड़ा थोड़ा पानी से इसको गला लेना चाहिए। अपना जो रेडी हो गया है आटा गल के तैयार हो गया है, देख सकते कितना सॉफ्ट आटा गला है अपना। अब अपन इसको इसमें अपन ने सूजी डाली है तो अपन इसको थोड़ा सा फूल में रख देना चाहिए ढाँप के, 5 मिनट के लिए इसको अपन ढाँप देते हैं। अब मेरे 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको देख लेती हूँ। देखो अपना सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया है आटा, अब मैं इसको एक बार और गूंथ लेती हूँ इसको। अच्छा हो गया है, मेरा फूल गया है आटा। अब मैं लोई बनाती हूँ, लोई बना के बताती हूँ। अपन को ऐसी लोई बनाना है सारी कि अपनी रोटी बना देना रो बेलते हैं तो अपनी इसकी लोई बना के अपन रख लेते हैं सारे। मेरी लोई बन के रेडी हो गई है, अब मैं बेलती बेल के बताती हूँ। अपन को पतली पतली रोटियाँ बेलना है, अच्छी सॉफ्ट हो गया है अपना आटा। मेरी रोटी रेडी हो गई है, अब थोड़ा सा हल्का आटा और चाहे मैदा अपन इस पर डाल सकते हैं, और हल्के हल्के हाथ से अपन को इस पर फैलाना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं डालना है अपन को। और अपन अब इसको काटते हैं। पहले बीच में से काटना है अपन को, और फिर अपन को या साइड से काटना है इसको, और अपन को इसको इसमें बीच में से और काटना है इसके कटे हुए के में से, जिसके कटे हुए के इसके बीच में से काटना है अपन को। अब अपन इनके बीच में से पतली पतली और काटना है, एक एक लहर और काटना है, देखो जो कट गई, और इसमें अपनी जो कट गई। अब अपन इसको चकला घुमा लेते हैं।
अपनी इसकी रोटी अपने बेल के रेडी हो गई है। और अपन को इसे पतरे पतरे इसको काटना है साइड से, और अपने ये कट गए हैं बहुत आसानी से, अपने ये रोल हो सकते हैं। तो आप देख सकते हो मैं बना रही हूँ, अपन को आराम आराम से करना है। देखो अपने हो रहे हैं, अपन को थोड़ा सा हल्का इसको दबा के लेना है, और अपने ऐसे रोल हो गए हैं। सारे रोल अपने इसको अपने से बना लेते हैं। मैं इसको सारे इसको घुमा घुमा के आपको ऐसी बताती हूँ, ये बहुत आसानी से बन जाते हैं अपने। बिल्कुल हल्के हाथ से करना, क्या है अपना मोयम डरा है तो इस पर टूटबे का बहुत डर लगता है। जे चौकुर वाले तो खस्ता हर कोई बनाता है, शक्कर पारे हर कोई बनाता है, और ऐसे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चों को पसंद भी आते हैं। मेरी जी बन के रेडी हो गई है, अब मैं इसको तलने जाऊंगी। हाँ मैं तल रहा हूँ, मध्य आँच में सेकना है इनको, कि अपनी रोल हैंगी ना तो आपको टाइम लगेगा इसमें फूलने में। हल्के हाथ से इसको हिला देनी चाहिए, अपनी अच्छी बढ़िया सिक जाएंगे। इसको बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं, शौक से खाते हैं बच्चों, उनको रख दो तो अच्छे शंख से बनते हैं, शंख के रोल बने हैं ना, बहुत प्यार लग रहा है इसका। देखो क्या अच्छे प्यारे बन रहे हैं, मैं तो नाश्ते में रखती हूँ तो सब जने बोलते हैं आप कैसे अच्छे बनाए तुमने, अच्छे कितने अच्छे बनाए। आप भी अपने घर पे बनाना और अपने मेहमानों को खवाना, और अरे अपनी दिवाली आ रही है तो सबको प्रसाद में भी देना है, तो सब जने को बहुत अच्छे लगेंगे, पूछेंगे आपसे कि कैसे बने ये। जी हो गए अपने बन के, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं तल के, कितने सुंदर बन रहे हैं, शंख घाई बन रहे हैं। देखो आप देख सकते हो इसको, आप भी अपने घर पर बनाना। हाँ तो दोस्तों, आप सभी को हमारी दिवाली का ये नए डिज़ाइन का नाश्ता कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और हम हमारे चैनल के माध्यम से रोज़ाना नई नई रेसिपियाँ लाते रहते हैं आप सभी के लिए, तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई मॉम चैनल मॉम्स मैजिक। थैंक यू सो मच।